दोस्तों 1.5 लाख सैलरी कमाना है तो आपका प्रोफाइल भी उतना स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तभी जाके कोई भी कंपनी आपको 1.5 लाख सैलरी ऑफर करती है। और आज मैं जिस प्रोफाइल के बात करने जा रहा हूं वो है बार टेंडिंग जॉब। अगर आपने होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री या फिर बार टेंडिंग का कोर्स करके एक्सपीरियंस लिया हुआ है, यानी कि 1 साल का या 2 साल का, तो दोस्तों आपको डेफिनेटली 1.5 से 2 लाख का सैलरी मिलने वाला है, वो भी सिंगापुर में। आज मैं इसी बाबत में बताने वाला हूं आपको कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है और आपके पास 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और इजीली 1.5 लाख से 2 लाख इनकम कर सकते हैं। तो कौन इसमें एलिजिबल है, क्या टोटल प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, दोस्तों आज मैं आपको इन डिटेल्स में बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आने तक बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अगर किसी ने भी होटल मैनेजमेंट किया है तो उनका एक सपना होता है कि सबसे पहले तो वो 5-स्टार होटल कैटेगरी में काम करें, दूसरा कि वो भाई एब्रॉड में जाए काम करें, और अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलता है काम करने को भी सिंगापुर में तो उससे ज्यादा खुशी की बात कुछ भी हो ही नहीं सकता। और आज मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं सिंगापुर में जॉब के लिए, ठीक है। अगर आप बारटेंडिंग का कोर्स किए हैं, आपके पास अगर 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सैलरी ऑफर किया जा रहा है दोस्तों $2,300 $2,300। और अभी आपका काम क्या है भाई, आप एक काम करें, गूगल पे जाएं और सिंगापुर डॉलर टू INR कन्वर्शन कर लीजिएगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि इंडियन रुपए में आप कितना कमा सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली आज अगर बताता हूं मैं तो सही नहीं रहेगा, हर दिन डॉलर का प्राइस जो है दोस्तों अप एंड डाउन होते रहता है, तो आप जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उसी दिन कैलकुलेशंस कर लीजिए और फिर अप्लाई करने का सोचिए, ठीक है। वर्किंग आवर की बात करें, कितने घंटे काम करने हैं आपको, तो 44 घंटे यानी कि 44 आवर्स पर वीक आपको काम करना है। और बात करें दिन का, तो 6 डेज पर वीक आपको काम करना है दोस्तों, यानी कि एक दिन आपका वीकली ऑफ रहेगा। बात करें फूड एंड एकोमोडेशन का, तो सिंगापुर में कोरोना के बाद एकोमोडेशन को ये कंपनी ऑफर नहीं कर रही है, तो एकोमोडेशन आपका खुद का होगा, लेकिन फूड के लिए वो आपको $200 एक्स्ट्रा देने वाले हैं, ठीक है, यानी कंपनी देगी। इसके अलावा बात करें और इनकम की, तो इंसेंटिव है, ठीक है, टिप्स है, सर्विस चार्ज है, ये आपका अलग से इनकम होने वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपका $2,300 मंथली सैलरी है तो लगभग आप $1,000 तक आप टिप्स, सर्विस चार्ज, इंसेंटिव कमा सकते हैं। अब आपने डाउट यह होगा कि इंसेंटिव होता क्या है। मान लीजिए आपको एक टारगेट दिया गया कि इस महीने में आपको ब्लू लेवल 10 बॉटल बेचना है, उसमें से जो भी सेल होगा उसका 5% आपको जाएगा, तो समझिए। तो अगर आपने 10 बॉटल बेच दिया तो उसमें का 5% या कुछ सर्टेन अमाउंट जो बोला जाता है वो आपके अकाउंट में आएगा, उसको कहते हैं इंसेंटिव। बात करें टिप्स क्या होता है, तो अगर आपने अच्छा सर्विस दिया अपने गेस्ट को, ठीक है, तो खुश होके जो आपको टिपिंग किया जाता है, आपको जो पैसे दिया तो वो टिप्स कहा जाता है। सर्विस चार्ज क्या होता है, तो सर्विस चार्ज दोस्तों जो गेस्ट आपका जो सर्विस लेता है उसका एक चार्जेस अलग से होता है, सर्विस चार्ज जो आपका बिलिंग में एड हो जाता है, और एंड ऑफ द मंथ वो पैसा जो है आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है, यानी कि आप अकेले के नहीं, सारे स्टाफ को उनका पॉइंट के हिसाब से सभी को ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक ऐसा होता है, मान लीजिए आपका होटल का जो सेल है पर डे 1 करोड़ हुआ, अगर उसमें से 2 या 3% सर्विस चार्ज है, ठीक है, तो समझ जाइएगा उसमें कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और वही जो पैसा बचेगा वो सर्विस स्टाफ को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से आप 800, 900, 1000, 1200 डॉलर तक एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों कितने घंटा काम करने का, कौन एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं कि इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। तो आप मिनिमम 10th पास होकर के डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप डिग्री या डिप्लोमा कोई भी किए होटल मैनेजमेंट का या बार टेंडिंग कोर्स का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें, उम्र की बात करें, तो आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
और एक्सपीरियंस मैंने बता ही दिया है आपको कि भाई एक साल से दो साल का मिनिमम एज बार्टेंडर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप प्रॉपरली इंग्लिश में बात कर सकना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आपका इसमें शॉर्टलिस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान आपको सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, अबाउट योर प्रोफाइल, अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, अबाउट योर जॉब, पास्ट जॉब एक्सपीरियंस, ठीक है, और आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आपके साथ इंटरव्यूज में बात होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉब्स के लिए तो पहले इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर लीजिए, ठीक है, और आपको प्रॉपर इंग्लिश आना चाहिए, यानी कि आपका इंग्लिश में कमांड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और जहां पर आप जाते हैं तो भैया अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो हर कोई इंग्लिश में बात ही करेगा, तो आप अगर अच्छा खासा इंग्लिश में बात कर सकते हैं या समझ सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एक्सपर्ट होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, अगर आप बेसिक भी इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जाने के बाद अगर आप रेगुलर इंग्लिश में टॉक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आसानी से सीख भी सकते हैं। बात करें इसका टोटल प्रोसेस कितना दिन का लगता है, तो देखिए दोस्तों ये कोटा बेस का होता है, जो जॉब है कोटा बेस में होता है, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे एक बार आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, फिर आपका क्लाइंट आपसे इंटरव्यूज लेगा, इंटरव्यूज लेने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको आ जाएगा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद, लेकिन यहां पर एक चीज बता दूं, अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपका सीवी, पासपोर्ट, एक फोटोग्राफ फुल साइज और पासपोर्ट साइज, आप जितना दिन भी काम किए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने वीडियो बनाया होगा इसका, जैसे फ्लेयरिंग का हो गया, कॉकटेल का हो गया, मॉकटेल का हो गया, ड्रिंक सर्विस का टाइम का हो गया, तो इसका अगर आपका वीडियो है तो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो शेयर किया तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है 100% एश्योर हो जाता है कि आप इस काम में एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, ठीक है, और फिर आपका सिलेक्शन 90% वहीं खत्म हो जाता है, ओके, 10% जो बचता है दोस्तों सिर्फ ओरली आपको कुछ पूछा जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। पासपोर्ट का एक्सपायरी जो है, यानी कि वैलिडिटी जो है, वो कम से कम एक साल का बचे रहना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक साल से कम का एक्सपायर बचा हुआ है पासपोर्ट का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फटाफट आप नया पासपोर्ट के अप्लाई कर लीजिए या फिर उसको रिन्यू के लिए डाल दीजिए ताकि आसानी हो जाए। आई थिंक मैंने सारा चीजें कवर कर लिया है एक जॉब सीकर्स को जो भी चीज जानना जरूरी है जॉब अप्लाई करने से पहले। अगर फिर भी आपके मन में कोई और दुविधा के क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं इन डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स भी दे दूंगा जहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। बात करें चार्जेस का, चार्जेस क्या होगा इसका, दोस्तों चार्जेस डिपेंड करेगा आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका प्रोफाइल के ऊपर। बेहतर होगा कि दिए गए नंबर पर कॉल करें, कॉल करने के बाद आप उनसे डिस्कस करें तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चार्जेस हैं और आप कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड तक वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए। अगर अब भी आपकी मन कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है इस जॉब के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन होगा उसका जल्द से जल्द जवाब देने का। तो आज के बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरह के और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।